नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, इस बार गुरुवार के दिन 6 अप्रैल गुरुवार के दिन है हनुमान जयंती। हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, आस्था के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने के तमाम उपाय करेंगे। आज भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के उपाय करने हैं, क्योंकि आज पूनम है, भगवान नारायण का दिन है और हनुमान जयंती भी है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ कि इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं आज के दिन, तो हनुमान जी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी आपके ऊपर जबरदस्त कृपा उतरेगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उस नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। दोस्तों, भगवान नारायण, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि आज के दिन, क्योंकि आज गुरुवार का दिन है, 700 साल के बाद इस बार जबरदस्त संयोग बने हैं। आज भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए आप जो भी उपाय करेंगे आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी। आज के दिन पीले रंग के कपड़े पहने, वैसे भी गुरुवार के दिन पीले कलर के कपड़े पहने से भाग्य चमकता है, व्यक्ति की लाइफ रिस्पेक्टेड होती है, धर्म में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, घर में शिष्टाचार आते हैं, संस्कार आते हैं। आप देखो, जहाँ संस्कार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है जिन लोगों में, समाज में कितने ही ऐसे लड़के लड़कियां जिनके अंदर ना शिष्टाचार है, ना समझ है कोई चीज की, वो सिर्फ नर्क ही नर्क पैदा कर रहे हैं। जिनके अंदर शिष्टाचार है, समाज है, समझ है, संस्कार है, वे समाज को कुछ नया नया देते हैं, है ना? गुरु यदि आपके मजबूत रहेंगे तो आप हमेशा अच्छे ही कार्य करेंगे, आपकी सोच अच्छी रहेगी। तो इस उपाय को करने से आपके गुरु मजबूत बनते हैं, भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बरसती है, साथ में हनुमान जी की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी। आपको क्या करना है, जहां पीपल का पेड़ हो, पीपल के पेड़ पर साक्षात भगवान वासुदेव का वास है, पीपल के पेड़ पर, पेड़ के नीचे बैठ करके आज के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन्हें हनुमान चालीसा बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। ये बिल्कुल आप इस चीज को मान लो। आज के दिन घर से थोड़ा सा गुड़ और 2 लौंग लेकर के जाए, थोड़ा सा घी किसी छोटे से पात्र में रख करके लेकर के चले जाए। घी आप गुड़ के ऊपर ही डाल दें और जहां भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आप एक ही दिए में 2 बाती डाल दें, लंबी बाती, एक भगवान विष्णु के नाम से और एक आपको हनुमान जी के नाम से, मतलब एक राम जी के नाम से, एक हनुमान जी के नाम से, दोनों बाती आपको साथ में जला देगी। बहुत जबरदस्त टोटका है दोस्तों, इसको ऐसा वैसा बिल्कुल भी ना समझ लेना। दोनों बाती एक साथ एक ही दीपक में जलानी है, एक भगवान राम की और एक हनुमान जी की। थोड़ी सी पीली सरसों आपको अपने ऊपर से 7 बार उबार कर उसी दीपक में डाल देंगे। हल्दी वाला जल आपको पीपल पर चढ़ाना है, 3 परिक्रमा करनी है। थोड़े से चने और गुड़ आपको पीपल के पेड़ के जड़ में रख देना है और यही बैठ करके आपको आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और श्री राम स्तुति बोलनी है और उसके बाद में 9 बार आपको अपनी इच्छा बोलनी है। ये छोटा सा टोटका आज के दिन यदि आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर भगवान राम के साथ हनुमान जी की कृपा बरसती है और जो काम आपका लंबे समय से नहीं हो रहा था वो तुरंत होगा। करके देखें, फिर से बता दूं, दोनों बाती आपको साथ में जलानी है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र दिन है। भगवान और भक्त दोनों के नाम की बाती इकट्ठा जलाना है पीपल के नीचे। 3 ही परिक्रमा करनी है गिन करके, और हाँ, पीपल पर आपको हल्दी का तिलक करना है,
छोटा सा काम करके देखें, बहुत बढ़िया परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। उपाय को करते रहें और हमेशा खुश रहें। कोई ऐसी बातें जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।